सो हाय, आज मेरा एक दोस्त है जो बुकिंग कर रहा था. इसने एमएमटी से बुकिंग किया था और इसके बुकिंग एमएमटी के थ्रू हुई थी ओयो की. और क्या प्रॉब्लम इसने फेस की है वो अब इनसे ही सुनेंगे. क्या हुआ? प्रॉब्लम ये था कि मैंने 100% पेमेंट कर लिया था, बट यहाँ तो एमएमटी ने ओयो को रिलीज नहीं किया, यहाँ तो ओयो ने होटल को रिलीज नहीं किया, बट इट वॉज शोइंग कि आई हैवंट डन द फुल पेमेंट एंड सो नाउ आई एम नॉट एबल टू चेक आउट बिकॉज ऑफ दैट. तो आपका एंड आई हैव कितना टाइम वेस्ट हो गया इसका? काफी लगभग आधा घंटा. आधा घंटा. और आपने पेमेंट मतलब अभी डबल किया है एक एमएमटी को किया? राइट नाउ अभी मैंने मुझे वापस मिलेंगे और सो दे से, बट यस 1658 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया एज ऑफ द मोमेंट. दे आर टेलिंग मी दैट दे विल रिटर्न दैट टू माय बैंक अकाउंट. तो अगर एमएमटी ये बोल रहा है कि उनके साइड से पेमेंट नहीं गया है तो फॉल्ट में एमएमटी है? या एमएमटी ने मुझे आधे घंटे एक घंटे पहले बोला कि उन्होंने रिलीज कर लिया है पर आया नहीं अब तक पेमेंट. ओके सो तो अभी नेक्स्ट टाइम आप एमएमटी से फुल पेमेंट करके बुकिंग करोगे? आई हैव टू सी बिकॉज एमएमटी मैंने काफी यूज किया है बट आई थिंक एमएमटी और ओयो एक साथ पहली बार यूज किया तो वहां कॉन्फ्लिक्ट है. I think so. I don't know, man. तो मतलब आप MMT यूज करोगे लेकिन MMT के साथ OYO का बुकिंग नहीं करोगे? हाँ, या तो यार सिर्फ Airbnb ले लेंगे. I think that's preferable. Okay, लेकिन Airbnb पे आपको पता है ना occupancy charges काफी ज़्यादा होते हैं. Occupancy charges? What do you mean? Occupancy आप थोड़ा देखना. अच्छा ठीक है. No, I've booked Airbnb. I think it's pretty reasonable. हाँ, I know. It's reasonable. लेकिन और भी तरीके हैं. I'll tell you that. Okay. वो मैं आप सबको भी बताऊँगा. Right. So this was for today. Yeah. और retailer में बताता हूँ कि मैं MMT के थ्रू क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए.